सिंगरौली में भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस मौके पर पौधारोपण के साथ साथ कोरोना मरीजों के लिए ब्लड और प्लाज्मा डोनेशन का कैंप लगाया जाएगा और जनता को मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। सिंगरौली भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने बताया कि भाजपा ने पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने सामाजिक कार्यों को राजनीति से जोड़ने का कार्य किया है, इसीलिए 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। इसके बाद 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिवस को आत्मनिर्भर भारत सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। इस मौके पर दिव्यांग को कृत्रिम अंग वितरण, कोरोना मोर्चा के रूप में ब्लड व प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के आह्वान पर हम समस्त जिलों में, पूरे मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में 14 तारीख से माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम सेवा सप्ताह के रूप में मनाने जा रहे हैं, जो कि 14 सितंबर से 20 सितंबर तक यह कार्यक्रम चलेगा। इन दिनों में हम सब लोग स्वच्छता अभियान, सिंगल प्लास्टिक यूज का न उपयोग करें इसका संकल्प दिलाने का कार्यक्रम, वृक्षारोपण कार्यक्रम, वीडियो वर्चुअल के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को अपने अभी तक के केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाओं से अवगत कराने का विषय हो, दिव्यांग बच्चों को दिव्यांग लोगों के लिए कृत्रिम उपकरण उपलब्ध कराने का विषय रखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।